सोलंकी जी नमस्कार, मैं हेमंत चतुर्वेदी पंजाब केसरी से। जी नमस्कार सोलंकी जी। एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम आज मध्य प्रदेश की राजनीति में हुआ है। यहाँ पर जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने मध्य प्रदेश की जो टीम है उसको कुछ अहम टिप्स दिए हैं कार समिति की बैठक में। हर कोई जानना चाहता है उनके बारे में। हम चाहेंगे कि आप बताइए कि उस बैठक में जिसके दरवाजे बंद थे अंदर क्या कुछ हुआ। देखिए सामान्यतः प्रदेश कार्य समिति की बैठकें तो भारतीय जनता पार्टी में निरंतर होती ही है और ये ठीक चुनाव के पहले की प्रदेश कार्य समिति है, वृहत प्रदेश कार्य समिति जी। और इसमें माननीय अमित शाह जी जो हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री जी है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी सहित प्रदेश भर के कोने कोने से सभी नेतागण और कार्यकर्तागण जुटे। और इस कार्य समिति में विशेषकर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 2023 और 24 के चुनाव के लिए पूरी कमर कस के चुनाव के लिए तैयार है। कुछ टारगेट दिया है क्या? टारगेट दिया है क्या उन्होंने कुछ? अब की बार भारतीय जनता पार्टी 150 से अधिक सीटें जीतेगी और प्रत्येक कार्यकर्ता संकल्प लेकर यहाँ से निकला है कि हर बूथ पे हम जीतेंगे। 51% वोट शेयर का जो लक्ष्य है उसका संकल्प लेकर निकला है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और ये कार्यकर्ता जो है आप पूरे जोश के साथ मध्य प्रदेश के कोने कोने में 1000 से अधिक जो हमारे मंडल है, बूथ है और जो हमारे पन्ना प्रमुख तक है वहां तक का लक्ष्य लेकर निकले हैं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी कमर कस के आप इस 2023 और 24 के चुनाव के लिए संकल्प लेकर तैयार होकर गया है। और भारतीय जनता पार्टी 2023 सवाल है, ये थोड़ा सा व्यवहारिक सवाल है कि अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लग रही थी बैठक में? क्या अभी जो खबरें चल रही है कि अमित शाह ही पूरा शाह सेक्टर चलने वाला है इन चुनाव में, अमित शाह ही नेतृत्व करेंगे पूरी बीजेपी का, क्या आपको ऐसा लगा अमित शाह का जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कह रहा था? अमित शाह जी का अपना व्यक्तित्व है, विशाल व्यक्तित्व के धनी है माननीय अमित शाह जी। और अमित शाह जी जब किसी मंच से बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रोमांचित होता है और जो लक्ष्य दिया जाता है उसको कार्य करने के लिए उसके अंदर अपार उत्साह का संचार होता है। और वही माननीय अमित शाह जी ने आज ग्वालियर की धरती पर किया है और यहाँ से जो कार्यकर्ता गया है वो 2023 के लिए 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरीके से संकल्प लेके गया है और भारतीय जनता पार्टी का परचम मध्य प्रदेश में और देश में लहराएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर अमित शाह ने जो टिप्स दिए हैं उनको लेकर पार्टी का कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोलंकी जी पूरी चर्चा के लिए। जी नमस्कार। नमस्ते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।